गाइस ये देखिए ये नई वाली एंट्री देखिए एकदम एपिक थी, एकदम मजा आ गया मेरे को एंट्री करते हुए। तो यार लॉगिन ने मेरे को बोला कि ऐसी एंट्री करो अच्छे व्यूज आएंगे। वो बात अलग है कि मैं यहीं पे खड़ा था वेट कर रहा था कि कब रिकॉर्डिंग शुरू करे लॉगिन और कब मैं ऐसी एंट्री मारूं। तो गाइस एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल मुसम्मी पर, मेरा नाम है पम्मी। और आगे बढ़ने से पहले गाइस मैं आज आपको बहुत ही बड़े वाला राज बताने वाला हूं। आई डोंट थिंक किसी को पता होगा, आप इतने लोग मेरी वीडियोस देखते हो, एंजॉय करते हो, लाइक करते हो, कोई कोई बंदे सब्सक्राइब भी करते होंगे, तो प्लीज कर दो यार। आज मैं आपको जो राज बताने वाला हूँ आप वो राज सुन के एकदम हैरान हो जाओगे। और वो राज ये है कि मैं आज तक पूरी लाइफ में मैं कभी सिनेमा नहीं गया। क्या गुंडा बनेगा रे तू? तो इससे पता लगता है कि मैं मूवीज कितनी कम देखता हूँ। तो कोई भी मूवी हो, हिंदी, पंजाबी, भाई साउथ की मूवीज, नॉर्थ की मूवीज, बॉलीवुड, हॉलीवुड, जो भी है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मैं मूवीज बहुत कम देखता हूँ। तो लास्ट टाइम गाइस मैंने मूवी देखी थी पुष्पा और KGF, वो मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला तब जाके मैंने देखी। अच्छा, और ये बात है एक महीने पहले की, और उससे पहले 5 साल पहले मैंने लास्ट टाइम मूवी देखी होगी। तो इससे पता लगता है कि मैं मूवीज बहुत ज्यादा कम देखता हूँ। मेन रीजन ये है कि मेरे को बॉलीवुड या जो भी है, मुझे उनकी टिपिकल जो बेसिक स्टोरी लाइन होती है, मेरे को उसके मैकेनिक समझ में आ चुकी है। तो फॉर एग्जांपल एक हीरो होता है, हीरोइन होती है, हीरो को हीरोइन से प्यार हो जाता है, हीरो बहुत गरीब होता है और अपेरेंटली हीरोइन बहुत ज्यादा अमीर होती है, और उसके पिताजी शहर के बहुत बड़े गैंगस्टर होते हैं, उसके पिताजी को हीरो बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन कुछ कारण आखिर में वो दोनों मिल जाते हैं और आखिर में हीरो आके हीरोइन के पिताजी को मार देता है। फिर एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम जो है यही स्टोरी होती है। और अभी गाइस ये मैकेनिक्स चेंज हो रहे हैं और बॉलीवुड के अंदर बहुत जबरदस्त मूवीज भी आ रही है, जैसे PK हो गई, दंगल हो गई, वॉर, एकदम खतरनाक, वो भी माइंड ब्लोइंग है। और अभी आप सोच रहे हो कि मैं सारी ये पागल बनती आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, इसलिए गाइस कुछ टाइम पहले मेरे को मेरे दोस्त ने बताया था कि पुष्पा मूवी देख ऐसे वाली वो जो करता है ना, और एकदम माइंड ब्लोइंग, मेरे को बहुत मजा आया। उसके बाद मैंने KGF देखी। अब ऑनेस्टली बता रहा हूँ, KGF मेरे को बहुत बेकार लगी, ये मेरा ओपिनियन है। आई एम नूब। तो शुरुआत में मेरे को बहुत बेकार लगी, तो यार मैंने वो देखना बंद कर दिया। फिर मेरे दोस्त ने बोला कि KGF देख, उसने मेरे को साथ में बिठा कर रखा और बोला KGF देख। तो यार आधे घंटे की मूवी देखी तो मेरे को फिर से थोड़ा बहुत मजा नहीं आया। फिर उसने मेरे को बोला साले पूरी मूवी देख। तो फिर मैंने एक दिन बैठा पूरी मूवी देखी। What? और भाई मैं इतना अमेज्ड हो गया कि मैं क्या बताऊं। ऑब्वियसली शुरुआत में मेरे को थोड़ी बहुत हल्की लगी, लेकिन बाद में ब्रो क्या एक्शन आ रहा है, क्या सिनेमैटिक सीन्स आ रहे हैं, एकदम माइंड ब्लोइंग। भाई क्या उसने वो माइंड वाली जगह के अंदर गया, उसको मारा, क्या एक्शन था, बाद में आखिर में बंदों को साथ में लेके आ गया, और आखिर में क्या उसने बाउंड्री पार की, कैसे अंदर घुसा पाली के अंदर से। स्पॉइल नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि एकदम एपिक थी वो। और गाइस यार अपना YouTube, तो मैं KGF के बारे में बहुत सारा बातें कर रहा हूँ, लेकिन हैरानी वाली बात यह कि मैंने पुष्पा KGF फर्स्ट का KGF सेकंड का ट्रेलर नहीं देखा। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना KGF 2 सिनेमा में जाके देखे। मैंने अपने Instagram पर स्टोरीज देखी है, लोग सिनेमा के अंदर जाके क्या एक्सपीरियंस ले रहे हैं, जब वो हीरो की एंट्री आ रही है क्या चिल्ला रहे हैं लोग, एकदम मस्त डायलॉग बाजी चल रही है, वो भी सिनेमा के अंदर। अभी मेरे को पता लग रहा है कि मैं सिनेमा के अंदर मूवी नहीं देख रहा और मैंने कितना फन मिस किया पूरी लाइफ में। तो मैं सोच रहा हूँ कि KGF 2 हम देखेंगे सिनेमा के अंदर जाके। लेट्स गेट 200,000 लाइक्स और मैं पहली बार सिनेमा जाऊंगा। मेरे को यकीन नहीं आ रहा कि मैं KGF से भी कंटेंट निकाल रहा हूँ। सबसे पहले मेरे को पुष्पा का ट्रेलर देखना है। भाई मैंने आज तक कभी इसका ट्रेलर नहीं देखा। भैंस क्या, पूरी मूवी देख ली लेकिन आज तक कभी ट्रेलर नहीं देखा मैंने इसका। पूरी धरती पे ये पेड़ सिर्फ शेषाचलम के जंगलों में पाए जाते हैं। मेरे को भी याद है कि एक्चुअली कहानी ये लकड़ियों पर थी। हजारों करोड़ का माल जाता है यहाँ से विदेशों में। ओके। सोना है ये सोना। भाई अभी मेरे को ये मूवी फिर से देखने का मन कर रहा है। प्यार से लोग इसे लाल चंदन कहते हैं। भाई ये वाला सीन एकदम एपिक था यार। लकड़ी के ऊपर से जाके भाई, लकड़ी के ऊपर से जाके सारी लकड़ियों से तोड़ी, नहीं तोड़ी, खुद जाके देखो, नहीं तोड़ी उसने, कुछ भी नहीं किया। माल कहाँ छुपाया है? बता। बता दिया, तो मालिक छोड़ेगा नहीं। अरे कौन है मालिक? नाम बताओ उसका। अच्छा लगा ना मैं लबड़ जी।
मैं तुझे देख नहीं रही थी इसलिए तू कावरा बावरा हो रहा था ना। कावरा बावरा भाई देख रहे हो कावरा बावरा ये डालो गज्जू भाई पे मारेगी एक दिन। नाव में बैठकर जाल फेंकना बहुत आसान है। पानी में उतरेगा तो बड़ी मछलियां खा जाएंगी। लेट्स गो भाई। इस दुनिया ने आपके हाथ में पिस्तौल दिए और मेरे हाथ में कुल्हाड़ी। हम सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। झुकेगा नहीं। क्या बोलता? मैं झुकेगा नहीं। Let's go! भाई एक बात मेरे को बतानी पड़ेगी, साउथ की मूवीज के अंदर जो म्यूजिक है ना भाई, मैं क्या बताऊं, मूवी का पता नहीं, म्यूजिक एकदम धमाकेदार। मतलब कि आपको अंदर से इमोशन बिल्ड हो रही है कि भाई कुछ बड़ा होने वाला है और मैं वेट नहीं कर पा रहा कि वो क्या बड़ा होगा और मेरे को देखना है। और वाकई में ब्रो जब ऐसे गदर म्यूजिक आता है ना तो वाकई में वो डिलीवर भी करते हैं और कुछ गदर कुछ खतरनाक होता भी है। और डायलॉग्स के बारे में क्या बताना भाई, हम तो आजकल यही करते रहते हैं घर में भी। पुष्पा झुकेगा नहीं, मम्मी खाना दो तो झुकेगा नहीं, वो पता लगा कि मम्मी बेलन लेके आ जाती है, मैं झुकाऊंगी आज इसको। KGF 2 एंट्री रिएक्शन भाई, लोगों को यहाँ पर देखना एकदम पागल हो गए जब उसने एंट्री मारी ना यहाँ पर। अरे वो लोग एक्चुअली खड़े हो चुके। अरे भाई वो बंदा स्टेज के ऊपर चढ़ गया है। What? Oh my God. ओ भाई साहब, ये देखो ये लोग लिटरली स्टेज के ऊपर चढ़ गए हैं। ऑब्वियसली गाइस ये चीजें मेरे को सिनेमा के अंदर देखने और आई डोंट थिंक ये चीज यहाँ पर होगी, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि ये KGF 2 इंडिया आके देखेंगे। अगर KGF वाले देख रहे हैं तो यार एक टिकट पोस्ट में डाल दो तो यार हम भी इंडिया का चक्कर लगा लेंगे। और गाइस मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी नोटिस की, मैंने देखा कि साउथ के मोस्टली जो हीरोज है ना उनकी लाइक दाढ़ी भी है। तो यार अगर साउथ वाले डायरेक्टर साहब अगर आप देख रहे हो तो यार अपनी भी है, तो अगर आपको मूवीज के अंदर कुछ पंजाबी ट्विस्ट लेके आना तो मैं अवेलेबल हूँ, मैं टोटली फ्री हूँ। अरे भाई वो लोग वहां पर चिल्ला रहे हैं, मैं वाइब यहाँ पर ले रहा हूँ। अभी मैं सर्च करूँ KGF 2 का ट्रेलर, और जहां तक कि मेरे को याद है भाई जब ये ट्रेलर आया था ना एक साल लाइक बहुत टाइम पहले आया था, और पहले ही कुछ ही दिनों के अंदर लिटरली 100 मिलियन व्यूज हो गए थे यहाँ पर। आई थिंक जहां पर लास्ट टाइम खत्म हुई थी ना KGF 1, ये वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। अ प्रॉमिस वॉज वंस मेड। ओके बड़ी बोतल सर पर, और क्या एपिक दिखाते हैं यार। ओ भाई साहब, अरे ये तो रवीना टंडन थी ना बॉलीवुड में जो है, तो मतलब कि बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स भी यहां पर काम कर रहे हैं। कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस। Oh my God! Was wrong. History was wrong. कौन है ये? Powerful people make places. अरे, शेरो शारी देख रहे हो? देख लो, हे, रॉकी, Happy birthday. ओ भाई ये काम तो हमसे GTA 5 में भी नहीं होगा। यस नहीं कर रहा है ब्रोज, ऐसी मूवी देख के ऐसा ट्रेलर देख के मेरे को अंदर से फील आती है कि मेरे को GTA की सीरीज बनानी है, एक ब्रांड न्यू सीरीज निकालनी है जहां पर जो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है वो हम गेम के अंदर करेंगे। मेरे को चेकआउट करना है कि KGF 2 का एक्चुअली बजट कितना था। तो KGF 2 बजट दिमाग के अंदर बैठ ही नहीं रहा। KGF में करुणा को मारने के बाद क्या हुआ? करुणा आप पढ़ेंगे? खून से लिखी हुई कहानी है,
ओ माय गॉड, कितनी बड़ी जगह इन लोगों ने बना के रखी है, मतलब कि पूरी सिटी है। देख रहे हो छोटे छोटे घर यहाँ पर बनने हुए हैं, यहाँ से गाड़ियां आ रही है, यहाँ से भी गाड़ियां जा रही है, एकदम एपिक लग रहा है ये। स्याही से नहीं बढ़ेगी, अगर आगे बढ़ाना है तो फिर से खून ही मांगेगी। There will be no more tolerance. मेरे पास भी हथियार है, घुस के मारेंगे। मतलब इस बार आई थिंक वो सरकार से पंगा ले रहे हैं। तलवार चलाकर खून बहाकर जंग लड़ना तबाही नहीं, तरक्की होती है। ये कौन है? लाशें भी बेकार नहीं जाती, चाहिए तो गिद्धों से पूछ ले। What? संजय दत्त, वो भी केजीएफ 2 में, और क्या एपिक भाई भाई। हेलो भाई, मेरे को बड़ों के संजय दत्त बनना है, आपका पता नहीं ब्रो, मेरे को बड़ों के संजय दत्त बनना है। और क्या एपिक लग रहे हैं संजय बाबा भाई, इसकी आंख यार। He is the biggest criminal. He is the biggest businessman. This is the biggest national issue. रॉकी स्टार, हे आइजा। वायलेंस। आई डोंट लाइक इट यार। ओ भाई, बट वायलेंस लाइक्स मी, आई कांट अवॉइड। ये मेरी फेवरेट गाड़ी है ओल्ड टाइम की। ये देख रहे हो, एकदम एपिक मसल कार। प्लीज यार, ये गाड़ी मत फोड़ना यार, प्लीज। मेरी फेवरेट गाड़ी, इसको मत फोड़ो, बाकी कुछ फोड़ दो, बाकी कुछ ही फोड़ दो, चलेगा, ये मत फोड़ना। मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। क्या एक्शन हो रहा भाई यहाँ पर। संजय तो एकदम एपिक लग रहा है यार। मेरे दोस्ती लायक कोई यार नहीं, मेरे दुश्मनी झेल सके ऐसी तलवार नहीं। ओ भाई, बिजनेस करेंगे, ऑफर क्लोजेस सून। एक दिन दुनिया का सारा सोना तो मिला कर दूंगा माँ। अच्छा ठीक है, अभी तू सो जा, कल सुबह जाकर ले आना। भाई एकदम एपिक, भाई एकदम वाव ब्रो, मजा आ रहा है मेरे को देख के ट्रेलर ही। अगर कमेंट सेक्शन की तरफ जाकर देखो तो एग्जाम्स लाइफ चेंजर, धोनी गेम चेंजर, यश मूड चेंजर, केजीएफ 2 हिस्ट्री चेंजर। तो चलिए गाइस, छोटी सी वीडियो में इतना काफी था, और मेरे को तो ऑब्वियसली बहुत मजा आया, मैंने कितना फन मिस किया। मेरे को आज रियलाइज हुआ कि मैं सिनेमा ना जाके कितनी चीजें मिस कर रहा हूँ। तो यार, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।